कैसे हैं आप लोग? तो अभी डेयरी का काम हो रहा है, खाना का तैयारी होगा। अब देखते हैं क्या सब खाना है बनता है। आज तो विश्वकर्मा पूजा भी है, पूजा भी करना होगा। आप सभी को विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं, प्रसाद मिल। तो अभी हमारा पूजा हो गया, आज विश्वकर्मा पूजा है। विश्वकर्मा भगवान का भी पूजा कर लिए, अब इसके बाद खाना बनाने का तैयारी करेंगे। पूजा समाप्त हो चुका है, पूजा समाप्त हो गया तो अब चलेंगे खाना बनाने। खाना में क्या बन रहा है देख रहे हैं। अभी तो गैस खाली हो गया। ये सरसों है, अब इसमें डालेंगे थोड़ा लहसुन, उसके बाद थोड़ा काली मिर्च। तो अभी बन रहा है ये मड़ुआ का रोटी, और इसके बाद बनेगा झुंगनी का सब्जी। और ये झुंगनी काट के रखा हुआ है, मसाला भी तैयार करने के लिए रखे हुए हैं। अब उसके बाद तो मसाला हमारा रेडी है। अब यहाँ पे वाइट गर्म हो रहा है, इसमें थोड़ा सरसों डालेंगे, ये जल जाएगा। उसके बाद इसमें डालेंगे मसाला, डालेंगे हल्दी, उसके बाद मिर्ची। मोनी वाला कहा कि 3 बजे के करके ना रह जाती। अब इसको मसाला को भूनेंगे, अभी इसमें नमक नहीं डालेंगे, क्योंकि नमक डालने के बाद ना ये झुगनी डालने पे गल जाता है, भून आ नहीं पाता है, इसलिए अभी नहीं डालेंगे। जब झुगनी को भी अच्छे से भून लेंगे तब उसमें डालेंगे नमक। देखिए कैसा होता है सब्जी, क्योंकि हम तो सरसों लहसुन वाला जब बनाते हैं, सरसों मसाला वाला, तब तीखा ही हो जाता है, तो अजीब कड़वा सा हरियराइन टाइप का बोलते हैं उस टाइप का हो जाता है। इसलिए देखिए कैसा होता है, बनने के बाद ही पता चलेगा। झुगनी भी काट के रेडी किए हुए हैं, लगभग तेल बादल से निकल रहा है, और इसमें डालेंगे झुगनी। इसको भूनेंगे अच्छे से। पूजा का थाली भी रेडी कर दिए हैं, तब तक इसमें डाल दिए हैं नूनी का साग भी। अब ये भून रहा है, और उसके बाद ही पता चलेगा कैसा बनता है। झुगनी का सब्जी जब तक बन रहा है, तब तक दूसरे सब्जी का मसाला रेडी कर लेते हैं। आलू गोभी का सब्जी बनने वाला है, उसके लिए लहसुन प्याज आदि ये सब रखकर पीस लेते हैं पहले। फाइनली हमारा सब्जी बनके तैयार है, और इधर मड़ुआ का रोटी बनके तैयार। अब दूसरा सब्जी आलू गोभी का बना रहे हैं, कोई फ्राई कर रहे हैं, इधर मसाला तैयार है और आलू भी काट लिए हैं। चलिए मिलते हैं सब्जी बना के लेने के बाद। इधर आलू गोभी भुन गया है, इधर प्याज और इधर मसाला भी भून रहा है। तो लगभग हमारा सब्जी बनके तैयार है। तब तक हम जा रहे हैं बड़ी को थोड़ा सुला देने, उसको नहला के दूध दे के आए थे। अब जा रहे हैं थोड़ा उसके साथ सोएंगे तो वो भी सो जाएगी। उसके बाद फिर और बचा काम है, नूनी के साग का तरुआ बनाना है, वो भी बना। जब तक बड़ी सो रही है तब तक जाके हम तरुआ बना लेते हैं। अभी सो रही है तो शांत है, उठते हैं इसका सेकानी शुरू हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं, सारा तैयार करके रखे हैं। तो इधर नूनी के साग में बेसन प्याज मसाला ये सब लपेट के रखे हैं, तब तक इधर वाइल गर्म हो रहा है, अब इसमें डालेंगे, देखते हैं कैसा बनता है। तो जो पक गया है उसको निकालेंगे। ये पकौड़ा दादी के हाथ का ही हम खाए हुए हैं, हम क्या पूरा फैमिली। उसके बाद आज पहली बार हम बना रहे हैं, तो जब तक मेरी दादी थी तब तक वही बनाती थी, बहुत टेस्टी होता था उसके हाथ का, पता नहीं मेरे हाथ का कैसा है। तो यहाँ पे बनकर कुछ रेडी है और कुछ फाइनली हमारा सब खाना बन के रेडी है। ये मड़ुआ का रोटी है, ये रोटी है, ये आलू गोभी का सब्जी, ये झुगनी का सब्जी, और ये नूनी के साग का तरुआ और दही, क्योंकि दही के बिना हमारे यहाँ बोलते हैं कि नहा खा पूरा ही नहीं होता है। इसलिए कैसा लगा आप लोगों को खाना बताइएगा ज़रूर। अभी हम जा रहे हैं बाबा को खाना देने, जा रहे हैं। वाह, इधर मेरी परी भी उठ गई, बोलो हाय, बोलिए बेटा हाय। और उधर मेरे स्टूडेंट भी आ गए पढ़ने के। अभी बाबा के लिए लेके जा रहे हैं दूध रोटी। ओ, तुमको लेज मिल गया, कुरकुरे, वाह।
कोई पोयम याद है? पोयम कविता याद है? हाँ सुनाओ जोर से बोलो। मछली जल की रानी है, जीवन उसके पानी है, हाथ लगाएगी बाहर निकालेगी, दो दिन रखो सो जाएगी, बिल्ली आकर खा जाएगी। वाह याद है सबको मछली जल की। और उतना जो बुक में दिया हुआ है सो नहीं, कोई स्टोरी याद है, कहानी याद है, कुछ भी नहीं याद है। कौन सा हिंदी के किताब में पहला पार्ट में था रही है, इस बार मैं तुझे पढ़ना है। हां सुनाओ। बोलू यार है इस बार मैं तुझे पढ़ना है। दुनिया का दे दो वरदान, दुनिया का सम्मान करे तुम सुना तो पढ़ी को आता है? सुनाइए। नीम जल के रानी है, उसका पानी है, उसके बाद जीवन उसका पानी है, हाथ लगा जट साइकिल पर, उसके बाद निकालो जट साइकिल मर जाएगी। और याद है? और भी याद है? हाथी वाला, हाथी वाला बाबा, हाथी राजा सुनाइए। तो राजा नहीं, पहले सुनाइए तब देंगे। बोलिए बोलिए प्लीज बेटू। चोरीन बाबा चोरीन। ये प्रसाद आया है बंगाली दीदी के यहाँ से। इसमें क्या क्या लाई है वो? मूढ़ी, चूड़ा, मीठा, सेब, बुनिया, केला और स्पंज। वो लोग शायद ऐसे ही पूजा करती हैं इसलिए सब। तो फ्रेंड्स अभी शाम का टाइम हो गया है, अभी हम बना रहे हैं सब्जी। सब्जी नहीं, झुगनी का भुजिया है। बनाने के बाद ये झुगनी का भुजिया बन रहा है एक साइड, और एक साइड दूध उबल रहा है। तो हमारे यहाँ जितिया को लेके इतना हंगामा हो गया, तीन तरह के लोग किए हैं। एक तो एक जो कल नहा खा किए थे उनका आज है फास्टिंग, आज पूरा दिन रखेंगे, कल शाम के 3 बजे या 4 बजे के बाद खा लेंगे। और एक है जो आज 3 बजे के बाद नहीं खाएंगे, 3 बजे तक खा के ही रह गए हैं, और वो पूरा दिन रात कल सहेंगे और परसों वो पारण करेंगे। और एक कुछ लोग हैं जो आज दिन रात खाएंगे, और सुबह में भोर में जो लोग उसको क्या बोलते हैं भोर में सरगही, वो नहीं करेंगे, पानी वानी सुबह में नहीं पियेंगे, और कल पूरा दिन रात फास्ट करेंगे, फिर परसों वो पारण करेंगे। और मेरे घर में है कि वो आज रात में सुबह तक खाएंगे और कल फास्ट करेंगे परसों पारण। चिराग हो तुम घर का, राग हो तुम मन का, रहो सलामत युगो युगो तक, क्योंकि तुम एक विश्वास हो माँ का। आप सभी को जीतिया पर्व की शुभकामना। मेरे यहाँ तो 4 टाइप के लोग मिल गए हैं जितिया करने वाले। आपके यहाँ कितने टाइप के लोग मिले हैं? कितना दिन वाला जितिया कर रहे हैं लोग, बताइए कमेंट में ज़रूर। तो फ्रेंड्स बाय, गुड नाइट।